चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हरसई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, एमसीसी ने स्टे वैकेंसी राउंड के लिए वैकेंट सीट डाल दी है और ये काफी ज्यादा वैकेंट सीट अभी वैकेंट है, यानी कि 916 सीट एमबीबीएस की अभी भी वैकेंट है, यानी 10% सीट अभी वैकेंट है स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। स्टे वैकेंसी राउंड में सीट ब्लॉकिंग के कारण इतनी सीटें आई हैं। हमने आपको पहले बताया था कि ये 700 सीट से एमबीबीएस के आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये 916 सीट वैकेंट होके आई हैं। तो एमसीसी ने कैटेगरी वाइज सीट डाल दी है, कौन से कॉलेज में कितनी सीट वैकेंट है इसकी वेबसाइट पर आप विजिट करके देख सकते हैं। मैं आपको यहां पर कैटेगरी वाइज बता देता हूं कि कितनी सीट कौन से कोर्स में अभी भी वैकेंट है। तो टोटल 2454 सीट अभी भी वैकेंट है, जिनमें डिम्ड, ऑल इंडिया कोटा, जिपमर, इसके अलावा DUIP सारे कोटा शामिल है, यानी कि 2454 सीट्स वैकेंट है, जिसमें 916 सीट MBBS की, ओनली MBBS की सीट वैकेंट है इतनी सारी। इसमें जिपमर और एम्स को मिलाकर के 44 सीट अभी भी वैकेंट है। अगर दोनों की बात करें, ऑल इंडिया कोटा और ओपन सीट की, तो ओपन कैटेगरी के लिए 414 सीट अभी भी वैकेंट है, EWS 66 सीट से, OBC 221 सीट से, SC 149 सीट से और ST 66 सीट से। आपको पता है ओपन कैटेगरी में EWS, OBC, SC, ST सभी कैंडिडेट इसमें अपने मेरिट तक एडमिशन ले सकते हैं। तो 916 सीट अभी भी बची हुई है MBBS के लिए स्टे वैकेंसी राउंड में, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है और ये इसी साल हुआ है सीट ब्लॉकिंग के कारण। मैंने आपको पिछली बार बताया था 218 सीट आई थी स्टे वैकेंसी राउंड में, लेकिन ये अभी 3 गुना सीट बढ़ चुकी है और ये 10% के नियर बाई आंकड़ा पहुंच चुका है। टोटल सीट्स जो है वो 10,274 MBBS की सीट्स हैं, जिसमें स्टे वैकेंसी राउंड के लिए 916 सीट अभी भी वैकेंट है, यानी कि ये 9% सीट अभी भी वैकेंट है स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। BDS की 298 सीट वैकेंट है, डिम्ड की MBBS के लिए 679 सीट्स वैकेंट है और इन सबको मिला के 2454 सीट अभी भी वैकेंट है। अगर MBBS का देखें तो इस साल के लिए ये एक रिकॉर्ड हो गया है, इस साल के लिए रिकॉर्ड हो गया है कि सीट ब्लॉकिंग के कारण स्ट्रे में इतनी वैकेंट सीटें आई हैं। जब स्ट्रे में वैकेंट सीटें आई हैं तो कट ऑफ क्या रह सकती है? जाहिर सी बात है कट ऑफ तो थोड़ा डाउन जाएगी ही, लेकिन हमने पहले ही आपको कैलकुलेशन बता के 700 सीट्स का जो आइडिया बताया था उसी के अकॉर्डिंग ये कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है। UR कैटेगरी 607, OBC 607, EWS 605, SC 470 और ST 440 कट ऑफ रह सकती है स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए। तो आपने चॉइस बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी है, अपने चॉइस के मुताबिक कॉलेज जो आपको लेनी है, कॉलेज जो लेनी है उसके मुताबिक आपने चॉइस फिल करनी है। तो ये जानकारी थी वैकेंट सीट के बारे में। ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे चैनल द्वारा समय समय पर दी जाती है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकॉन प्रेस जरूर करके रखें। मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो ये स्टूडेंट के लिए एक खुशी की बात है और ऐसे ही खुशी की बातें हम शेयर करते रहते हैं।